नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे आप सब लोगों का मेरे आयुर्वेद एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूँ। आज का विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और समझने में काफ़ी दिलचस्पी रखने वाला भी है, क्योंकि ये मोटापे की जो शिकायत है, ओबेसिटी की जो शिकायत है, उसके बहुत सारे विक्टिम्स, जिसको बोलते हैं कि रुग्ण, हमेशा हमारे आसपास दिखाई दे रहे हैं। भारतवर्ष में जो फास्ट लाइफस्टाइल चल रही है, फास्ट फूड चल रहा है, उसी की वजह से ये ओबेसिटी की प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ती जाती रही है। तो इसके लिए बहुत सारे लोगों ने मेरे को कहा था कि सर, आपके आयुर्वेद एकेडमी में शास्त्रीय ज्ञान मिलता है और बहुत आसान तरीके से आप समझा देते हैं, तो आप मोटापे ओबेसिटी के बारे में कुछ वीडियो बनाओ। इसके लिए इस सब डिमांड ध्यान में रखकर इसकी जरूरत मैंने सोच ली, और मोटापा कम करने का उपाय, वजन कम कैसे करें, इसके बारे में ये वीडियो है। आखिर तक देखने की कृपा करें। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे। आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी, जिसको हम काय चिकित्सा और शारीरिक क्रिया सब्जेक्ट्स बोलते हैं आयुर्वेद में। फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन एंड पेड ऑनलाइन बीएमएस क्लासेस, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट आयुर्वेद एकेडमी थ्रू 9226810630, प्लीज ओनली व्हाट्सएप। ओके, सो ये वीडियो काय चिकित्सा सब्जेक्ट में भी आ जाएगा, इंटरनल मेडिसिन का भी सब्जेक्ट है। ये पूरा वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। तो चलो चालू चेक कर देते हैं आज का विषय, मोटापा या ओबेसिटी, जिस बहुत सारे नाम से वो जाना जाता है। मोटापा है, ओबेसिटी है, स्थूलता है, और आयुर्वेद में इसे मेदो रोग कहा है। आजकल क्या हो गया है कि अनैसर्गिक गतिशील जीवन शैली के कारण जो भी बहुत सारी बीमारियां होते हैं, जिसको हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बोलते हैं, उस बीमारियों में से सबसे बड़ी बीमारी ये मोटापन है, और ये रूट कॉज है। बहुत सारे अलग अलग बीमारियां जो हैं उसका एक इम्पॉर्टेंट कॉज, मूल कारण ओबेसिटी या मोटापा है। मोटापे के कारण शरीर में कई तरह की अलग अलग बीमारियां होती हैं, परेशानियां होती हैं, जैसे कि डायबिटीज मेलिटस, टाइप 2 डायबिटीज, ऑस्टियोआर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, उच्च रक्तदाब, रक्तचाप, ब्रेन स्ट्रोक और कैंसर जैसी गंभीर रोग ये ओबेसिटी के कारण हो सकती है। उचित जानकारी नहीं पाने के कारण लोग अपना वजन घटा नहीं पाते हैं, और घटा भी लेते हैं तो वो तुरंत बार फिर बार एक बार बढ़ जाता है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर वार्निंग दे रहा हूँ आपको, सावधान सावधान सावधान, आई मेक यू वेरी स्ट्रॉन्ग वार्निंग। ये बहुत सारे मैंने हजारों वीडियोस यूट्यूब पर देखे हैं, जिसमें जिसको बोलते हैं अशास्त्रीय तरीके की बात कही जाती है और लोग उसमें फंस जाते हैं, उसको मिलियंस पर व्यूज आते हैं, मिलियंस पर लाइक्स भी आते हैं, फिर वो जो है ना, वो टेम्पररी अट्रैक्शन करने के लिए वो टाइटल्स दिए जाते हैं। ऐसा प्रत्यक्षतः वस्तुतः कोई भी तरह का ये जो स्टेटमेंट्स है वो शास्त्रीय नहीं है, इसके ऊपर मैं आपको ध्यान दिलवाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक जाना माना आयुर्वेदिक कंसल्टेंट हूँ। ये देखिए सेंटेंसेस कैसे लिख जाते हैं यूट्यूब में, 7 दिन में 7 किलो मोटापा और पेट की चर्बी तेजी से कम करने का उपाय। देखिए, तेजी से कम करने का है ना, बिल्कुल लोग क्लिक कर देते हैं और आखिर तक एक 10 मिनट 15 मिनट का जो वीडियो देख लेते हैं, कई उपाय वो चालू कर देते हैं और बाद में फंस जाते हैं। वजन कम करना है तो बिल्कुल नहीं खाएं, एक अलग सेंटेंस है, यूट्यूब का टाइटल है ये, पेट की चर्बी काम करे 30 दिनों में। ये देखिए, 30 दिन 7 दिन, मैंने इसे रात को खाया, चूर्ण है, एक चूर्ण बता दिया है, तो मोटापा और चर्बी कहाँ चली गई पता भी न चला। कितना कॉमेडियन लिखा है ना, ये सब अशास्त्रीय है, ध्यान में रखिए। ये बिल्कुल सब के सब वीडियोस, कई जो बोलते हैं ना कि बिल्कुल मामूली सी वीडियोस हैं, वो डॉक्टर्स बना लेते हैं और शास्त्रीय तरीके से बात करते हैं, जैसे ये वीडियो आप देख रहे हैं, 3 दिन में इसे पीकर कोई जूस बता देते हैं, 5 किलो तक मोटापा और पेट की चर्बी घटाए। देखिए आगे क्या लिखा है, नो डाइट नो एक्सरसाइज। आपने ये सब वीडियो देखे होंगे और देखते भी जाएंगे,
मेरे एक विनती आपको, इसी कौन सी भी वीडियो के ऊपर आप बिल्कुल विश्वास न करें, उसको चैलेंज दे दे कि आपकी डिग्री बता दे, आप कहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, कौन से डॉक्टर है, ये बिल्कुल अशास्त्रीय, डॉक्टर ने नहीं बनाए हुए ये सब वीडियोज हैं, ध्यान में रखिए। मोटापा कम करने का शास्त्रीय तरीका मैं अभी इस वीडियो में बता रहा हूँ, कौन सी भी वीडियो में ये त्रिसूत्री बताई नहीं गई है। आपको डायबिटीज हो, आपको ये मोटापन हो, आपको हार्ट की बीमारी हो, आयुर्वेद हमेशा क्या करता है, त्रिस्कंद या त्रिसूत्री आयुर्वेद है, आहार, व्यायाम और औषधि, ये तीन उपायों के द्वारा ही कौन सी भी बीमारी, ज्यादातर मोटापे की बीमारी ठीक ठाक हो सकती है। आप सिर्फ डाइट करते रहें तो कुछ ही दिनों में बाद में आपको डाइट से वो कटाला आ जाएगा, या आपको फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, उसकी क्या बोलते हैं ना कि नहीं चाहिए मेरे को ये डाइट, ऐसे करके रिबाउंड वो हो जाता है। व्यायाम कुछ दफा, कुछ हद तक आप व्यायाम करते हैं, बाद में वो भी छोड़ देते हैं। कई लोग बोलते हैं कि सिर्फ हमारी एक गोली खाओ और अपना मोटापन कम कर दो, ऐसा नहीं होता। कौन सा भी एक तरीका अपनाने से ओबेसिटी कम नहीं होगी। आपको ये तीनों के ऊपर इक्वली क्या करना है, ध्यान से ये बातें चलानी है, परहेज रखना है, एक्सरसाइज करना है, और कुछ लगे तो मेडिसिन भी लेना है। देर इज नो शॉर्टकट। हाँ, दिस मोटापे कम करने की क्या है, लाइफ टाइम एफर्ट्स की जरूरत रहती है, ये हमेशा ध्यान में रखिए। मोटापा क्या है, जब किसी व्यक्ति का शरीर का वजन सामान्य से अधिक हो जाता है तो उसे मोटापा कहते हैं। आप हर रोज रोजाना जितनी कैलोरी भोजन के रूप में लेते हैं, जब आपका शरीर रोज उतनी खर्च नहीं कर पाता है तो क्या हो जाता है, शरीर में अतिरिक्त कैलोरी फैट के रूप में जमा होने लगता है, और जिससे शरीर का वजन बढ़ने लगता है। तो ध्यान से सुनिए, आप ज्यादा इंटेक कर रहे हैं और आउटपुट कम कर रहे हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो इसी की वजह से एक्सेस कैलोरी जो है वो फैट के रूप में डिपॉजिट हो जाते हैं और वजन बढ़ने लगता है। मोटापे होने के बहुत सारे कारण हैं। अधिक वजन, ओवरवेट वाले व्यक्तियों के शरीर में अत्यधिक मात्रा में चर्बी, ये टॉक्सिन जैसी होती है, जमा हो जाती है। ये शरीर में धीरे धीरे गलत दिनचर्या, डेली रेजिमेंट, प्रदूषण और अपचन के कारण होती रहती है। वजन दो कारणों से बढ़ता है, ये नीचे लिखा है, असंतुलित या गलत या जरूरत से ज्यादा आहार मात्रा सेवन करना, आहार लेना, जैसे कि हाई कैलोरी डाइट है, फैटी फूड्स हैं, और उसके साथ साथ ये दोनों मिलकर हैं शारीरिक गतिशीलता में कमी, जिसको बोलते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो संचय ज्यादा हो गया और खर्चा कम हो गया, संचय ज्यादा खर्चा कम, इनपुट ज्यादा आउटपुट कम, तो इससे क्या हो जाएगा, मोटापन आने लगेगा, वजन बढ़ने लगेगा। उसमें लक्षण क्या दिखेंगे, सांस फूलना, हाँ जैसे कि श्वास लगना बोलते हैं ना, ब्रेथलेसनेस, कहीं थोड़े हद तक वो चले तो उसको सांस बढ़ जाती है, फूल जाती है। अधिक पसीना आना, स्वेटिंग विल बी प्रोफ्यूज, खर्राटे लेना, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया जैसी शिकायत होती है, अचानक शारीरिक गतिविधि में असमर्थता, मोबिलिटी कम हो जाती है, हिड़ने फिरने का मन नहीं करता, थकान महसूस हो जाती है, पीठ और जोड़ों में दर्द आने शुरू हो जाता है, आत्मविश्वास की कमी होती है, अकेलापन महसूस करना, ये सब चीजें, ये डिप्रेशन वगैरह, मोटापन के साथ शारीरिक तो तकलीफ होती है, उसके साथ साथ मानसिक स्तर पर भी कुछ ना कुछ उसके टेंशन या एंजाइटी या डिप्रेशन बढ़ जाता है। भोजन में अत्यधिक मात्रा में कैलोरी का उपयोग करते हैं, देर तक जागना, घर से बाहर अधिक समय बिताना और फैट फूड का सेवन करना, वर्तमान समय में वसा और कैलोरी के उच्च खाद्य पदार्थ जिसको हम फास्ट फूड कहते हैं, और उच्च कैलोरी पेय जैसे शक्कर युक्त शीतल पेय, कोल्ड ड्रिंक्स का अधिक सेवन करने के साथ फल और सब्जियां हम कम लेते हैं, फल और सब्जियां कम, और ये बाहर वाला फैटी जिसको पिज्जा माजा वगैरह कहते हैं ना, ये सब चीजें ज्यादा खाते हैं, बर्गर पिज्जा, ये सब हाई कैलोरी फास्ट फूड्स हैं। निष्क्रिय जीवन शैली, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कंप्यूटर के सामने हम बैठे रहते हैं, आईटी के पीपल हैं, टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, फोन, अभी क्या बोलते हैं ना, हमारा रेगुलर जो पुराना वाला फोन था वहां तो हम जाते थे और फोन लेते थे, अभी तो उधर उठने बैठने की जरूरत नहीं है, कॉर्डलेस आ गए हैं, टीवी जैसे संसाधन के चलते मनुष्य पहले की अपेक्षा बहुत कम गतिशील हो गया है, उसकी मोबिलिटी कम हो गई है,
पर्याप्त नींद न लेना ये भी कारण है मोटापे का, क्योंकि क्या हो जाता है जब हम कम नींद लेते हैं, रात को जागरण करते हैं तो हार्मोनल परिवर्तन, ध्यान से सुनिए, जिसको बोलते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है अधिक भूख लगती है, हमें ज्यादा खाने की इच्छा पैदा हो जाती है और उससे वजन बढ़ता है। एक गलत जीन है जिसे FTO कहा जाता है, ये प्रत्यक्ष आदमियों में से एक में होता है, ये FTO जीन से भी भूख में संतुष्ट होने में बहुत समय लगता है और वो आदमी ज्यादा खाना लेता है। इसके अलावा आयुर्वेद में बीज दृष्टि, जिसके जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन फैक्टर बोलते हैं, आपके माता पिता ओबेज हैं तो ऐसी बहुत सारी क्या बोलते हैं संभावना है कि वो बच्चे भी ओबेज हो जाएं। तो जिनके माता पिता ओबेज हैं उनको बच्चे ने ज्यादा ध्यान देना चाहिए और बचपन से ही अपने खाने पीने में, परहेज में या जीवन शैली के ऊपर बहुत सारा ध्यान देने की जरूरत है। ये मोटापे के कारण यह अभी तक बताया वो प्राइमरी ओबेसिटी बोलते हैं, यह है सेकेंडरी ओबेसिटी जिसका मूल कारण अलग है, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम PCOD है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, थायराइड की शिकायत है, कुशिंग सिंड्रोम है, इसके द्वारा भी ओबेसिटी आ जाती है। तो ये ओबेसिटी कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, PCOS की ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, हाइपोथायरॉयडिज्म की ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, कुशिंग सिंड्रोम की ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। हाँ, जो मूल कारण है उसको हम ट्रीट करेंगे। अभी हम प्राइमरी ओबेसिटी की बात करते हैं। मोटापा कैसे सुनिश्चित किया जाता है, किसी व्यक्ति का उचित वजन कितना होना चाहिए, इसके लिए एक टेस्ट है, बहुत आसान टेस्ट है जिसको बोलते हैं BMI, है ना, बॉडी मास इंडेक्स। ध्यान से सुनिए, BMI बॉडी मास इंडेक्स। ये बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकालना है, हमारा जो वजन है वो किलोग्राम में लेना चाहिए और उसको डिवाइडेड बाय कद इन मीटर में और उसको स्क्वेयर कर देना चाहिए। ये बहुत आसान फॉर्मूला है, आप लिख रखिए और हर एक अपने अपने वजन ले लीजिए और ऊंची नाप लीजिए और उसके आधार पर वजन और कद के आधार पर ये आपका खुद का BMI बॉडी मास इंडेक्स निकाल सकते हैं। अगर आपकी BMI 18.5 से कम है तो आप अंडरवेट माने जाएंगे, आपकी बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से 24.9 के बीच है तो आपका वजन नॉर्मल है, ऑप्टिमल जिसको बोलते हैं। इसी तरह ये BMI बॉडी मास इंडेक्स 25 से 29 तक है तो आप ओवरवेट कहे जाएंगे और 30 से ज्यादा बॉडी मास इंडेक्स है आपका तो आप डेफिनेटली ये ओबेज या मोटापा की 100% आप रुग्ण हैं। आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो उसको स्थूलता कहा जाता है और ये विकृति कैसी है, विकृति का मतलब पैथोलॉजी, संतर्पणजन्य व्याधि। दो तरह के व्याधि आयुर्वेद ने कहे, संतर्पणोत्थ और अपतर्पणोत्थ, ओवर न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन। तो ये जो है ये ओवर न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, मॉडर्न परिभाषा में उसको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहा जाता है। ये बेसिकली ये स्थूलता में कफ दोष का क्या है, इम्बैलेंस है। कफ दोष प्राकृत तरीके से वात पित्त कफ हमारे शरीर को बहुत जरूरीमंद साबित है, कफ दोष से न्यूट्रिशन मेंटेन होता है, ये नॉर्मल फंक्शन है। फिर ओबेसिटी में क्या हो जाता है, ये कफ दोष ओवर न्यूट्रिशन की हद तक चला जाता है। इसके साथ साथ कफ और मेद धातु का आश्रय संबंध है, एक दूसरे के ऊपर वो निर्भर रहते हैं, एक दोष है और एक धातु है, बॉडी टिश्यू, फैट टिश्यू बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू। ये मेद धातु की एबनॉर्मल एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है, एडिपोज टिश्यू, फैट टिश्यू सेल्स बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ रसव स्रोतस, उसमें आम उत्पत्ति हो जाती है, एंडोजेनस टॉक्सिन अपचन के द्वारा, मेदो वह स्रोतस में भी प्रॉब्लम्स है। और ज्यादातर एक ही शब्द पूछा जाए आपको स्थूलता का कारण तो मेद धात्वग्नि मांद, इसको हम टिश्यू फायर बोलते हैं, जो हमारी जो कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है या फैट मेटाबॉलिक प्रोसेस है, ये दोनों डिफेक्टिव होने के कारण आयुर्वेद ने कहा, क्या कहा है उसको, कि मेद धात्वग्नि मांद, मेटाबॉलिक डिफॉर्मिटी है इसमें। इसका असर स्थूलता जब हो जाती है तो सिर्फ मेद धातु का प्रॉब्लम नहीं रहता, उसका असर पूरे के पूरे जो सप्त धातु आयुर्वेद ने कहा है उसके ऊपर उसका असर हो जाता है। रस धातु बिगड़ जाने से क्लम का मतलब है टायर्डनेस बट विदाउट एक्सर्शन, ये बहुत आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी है, परिभाषा है, तो ध्यान से आप इसका नोट्स बना दीजिए कि क्लम का मतलब क्या है। क्लम का मतलब टायर्डनेस तो है, फिर ये टायर्ड कैसे हो जाते हैं व्यक्ति, बिना कष्ट किए,
कष्ट के बाद टायर्डनेस आना नॉर्मल है, फिर टायर विदाउट एनी एग्जर्शन तो पेशेंट को थकावट महसूस होती है, उसको बोलते हैं क्लम। रक्त खराब होने से, रक्त अल्पता आने से क्या हो जाता है, पांडु या एनीमिक कंडीशन आ जाती है। ये ज्यादातर ओबेज पेशेंट्स में एनीमिक कंडीशन, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। मांस धातु की विकृति होने से शैथिल्य बढ़ जाता है, लैक्सिटी ऑफ द मसल्स, दौर्बल्य बढ़ जाता है, मसल वीकनेस, मस्कुलर पेन चालू हो जाता है, बैकएक चालू हो जाता है, कमर में दर्द होता है। मेद विकृत होने से पूरे शरीर में एक प्रकार के विकृत आकार हो जाता है, जिसको पेंडुलम बोलते हैं ना। ओबेसिटी जो है ना, सेंट्रल ओबेसिटी से क्या हो जाता है, उदर जो है, उदर का फैट जमा हो जाने के कारण उसका बहुत विकृत शरीर आकार बन जाता है, और दौर्बल्य उसके साथ साथ आ जाता है। श्वास की बीमारी, सांस फूलना, ये भी मेद धातु ज्यादा होने से हो जाता है। अस्थि धातु विकृति से संधिवात, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी शिकायत आती है। मज्जा धातु विकृति से ब्रेन का, नर्व टिश्यू का कंडक्शन, मोटर न्यूरॉन जंक्शन का कार्य अच्छे तरीके से नहीं होता। मस्कुलर वीकनेस के साथ साथ नर्व कंडक्शन इम्प्रॉपर रहता है, आलस्य पैदा हो जाता है। और मानस विकृति, डिप्रेशन, एक्सेसिव डिप्रेशन की वजह से क्या करता है, आदमी ज्यादा खाता है, और ज्यादा खाने से फिर एक बार स्थूलता आ जाती है, तो इसको बोलते हैं दुष्ट चक्र, ये विशेष साइकिल बन जाता है। शुक्र धातु की विकृति से इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मैथुन करने में अक्षमता आती है, इनफर्टिलिटी, वंध्यत्व की शिकायत हो जाती है, स्त्रियों में पीसीओडी शिकायत जैसी पैदा हो जाती है। और ये सब धातु विकृत होने के कारण शरीर की जो ओज फैक्टर आयुर्वेद ने कहा है, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, उसमें भी लो इम्यूनिटी हो जाती है ओबेसिटी के कारण, और फ्रिक्वेंट और सीरियस इन्फेक्शंस उनमें मिल जाएंगे। जैसे अभी अभी कोरोना के पैंडेमिक में आपने देखा कि जो व्यक्ति डायबिटिक, या जिस व्यक्ति को डायबिटीज था, हाइपरटेंशन, कार्डियक प्रॉब्लम और बेसिकली ओबेस थे, उनको ज्यादा तकलीफ हो गई, उनको कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा हो गए कोरोना पैंडेमिक में। आयुर्वेद ने कहा है कि स्थूलता एक याप्य व्याधि है। ये जो आयुर्वेद ने साध्यासाध्यत्व के प्रकार बताए, प्रोग्नोसिस ऑफ द डिसीज, ये ठीक होगा या नहीं होगा, तो उसमें सुख साध्य और साध्य एंड असाध्य। तो साध्य में सुख साध्य, कृच्छ्र साध्य है, और असाध्य में याप्य और अनुपक्रम्य है। तो याप्य का मतलब क्या है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि याप्य का मतलब है इसका जो परहेज है, वो जब तक वो पेशेंट परहेज रखता है, जब तक लाइफस्टाइल में सुधार लाता है, जब तक खान पान में कुछ अच्छी तरह सा नियम वो फॉलो करता है, तब वो व्याधि अंडर कंट्रोल रहता है। याप्य का मतलब नॉट टोटली क्योर, नॉट 100% परमानेंटली क्योर, बट इट इज ओनली अंडर कंट्रोल। सो यू कैन मेंटेन योर वेट, बट अगेन इफ यू लूज इन योर डाइट और लूज इन योर लाइफस्टाइल, देन डेफिनेटली अगेन यू विल गेट द रिगेन, रिबाउंड ऑफ ओबेसिटी हो जाएगी। तो याप्य का मतलब है ओनली दिस डिसीजेस कैन बी केप्ट अंडर कंट्रोल, इट कैन बी, इट कैन नॉट बी 100% और परमानेंटली क्योर। मोटापा धीरे से आता है, ऐसा नहीं होता कि एक 8 दिन में व्यक्ति का वजन बढ़ गया है या 2 दिन में बढ़ गया है, तो कई साल लगते हैं, 1 साल 6 महीने लगते हैं जल्द, तो ये धीरे धीरे आता है, तो खत्म करने भी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं। कई लोग क्या बोलते हैं कि झटपट मेरी ये बीमारी ठीक ठाक होनी चाहिए, जल्द खत्म करने की कोशिश से ये ज्यादा फायदा नहीं होता, ये उसमें ट्रीटमेंट लेने में बहुत धीरज रखना चाहिए, शास्त्रीय तरीके से ही उपचार करने चाहिए। आयुर्वेद ने अभी जैसे कहा याप्यवादी बताया है, जीवन भर कुछ परहेज तो आपको रखना ही पड़ेगा। तो जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, आपको मोटापा कम करना है आपको, तो पहले तो सुबह उठना चाहिए और सैर पर जाए, व्यायाम करें, सोने से 2 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए, रात का खाना हल्का और आराम से पचने वाला होना चाहिए, संतुलित और कम वसा वाला आहार ले, जैसे को लो फैट बोलते हैं, लो कैलोरी, नो फ्राइड फूड, मोर सलाद ले सकते हैं, मोर सूप्स आप ले सकते हैं, एक साथ ज्यादा खाने की जगह थोड़ी थोड़ी देर में कुछ सुपाच्य एवं हल्का खा लेना चाहिए। आपके भोजन में हरी सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फल, दही, छाख, छाछ, छिलके वाली दालें और नट्स होने चाहिए। फलों के रस, गुनगुने जल का सेवन करते हुए सप्ताह में एक बार उपवास आप रख सकते हैं। वजन कम करने के लिए भोजन पूरी तरह से कभी न छोड़े, इसकी बजाय संतुलित आहार का सेवन करें और व्यायाम भी करते रहें। प्रतिदिन सुबह 4-5 किलोमीटर तेजी से पैदल चले, उसके 10 मिनट बाद कुर्सी पर बैठकर पेट भर गुनगुना जल घुट घुट पिए। वजन घटाने के घरेलू नुस्खों में यह तरीका सर्वाधिक कारगर बताया गया है, गर्म पानी का इस्तेमाल करना।
इसके साथ साथ आप योगासन भी कर सकते हैं, जैसे त्रिकोणासन है, भुजंगासन है, सूर्य नमस्कार, सन सैल्यूटेशन, ध्यान है, मेडिटेशन, जिसके स्ट्रेस कम हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से आदमी ज्यादा खाता है और फिर ज्यादा खाने से ओबेसिटी बढ़ती है, उसे अगेन डिप्रेशन आ जाता है, अगेन ज्यादा खाता है। तो विशेष साइकिल ब्रेक करने के लिए आपको ध्यान, प्राणायाम, प्राणायाम में भी जैसे भस्त्रिका, कपालभाति को प्रतिदिन आप करते रहिए। पंचकर्म की जो आयुर्वेद पंचकर्म चिकित्सा तज्ञ है उनकी देखरेख में आप वमन, क्योंकि ये कफज व्याधि है, तो वासंतिक वमन आप ले सकते हैं। लेखन बस्ती का प्रयोग करना चाहिए तथा उद्वर्तन, उद्वर्तन का मतलब है आयुर्षिधि जो चूर्ण होते हैं उसे सूखा मसाज करवाया जाता है इस पेशेंट के लिए, ओबेसिटी कम करने के लिए। कम करने के लिए परहेज क्या रखना है, कफ को बढ़ाने वाले जो भोजन तथा पेय पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, मतलब कफ प्रकोपक आहार विहार आपको टालना चाहिए। प्रचुर कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन तथा चावल, आलू, शकरकंदी आदि मिठाइयाँ, मीठे पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स, तले हुए खाद्य पदार्थ, फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, चॉकलेट्स, चीज, बटर, पनीर, मछली, अंडा, मीट आदि मांसाहार, ये सब आपको बंद करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा धीरे धीरे करके, क्योंकि ये सब पदार्थों से कफ और आम हमारे शरीर में बढ़ जाता है और वजन कम होने में तकलीफ होती है। इसी प्रकार कफज प्रकृति के लोगों को हल्का भोजन, पित्तज प्रकृति के लोगों को ठंडे तासीर वाला भोजन तथा वातज प्रकृति वाले लोगों को मीठा और उष्ण तासीर का भोजन करना चाहिए। चीनी, नमक और मैदा जितना हो सके कम से कम खाएं, क्योंकि इसको व्हाइट पॉइजन भी कहा गया है मॉडर्न साइंस में भी। सो चीनी, नमक और मैदा आपको छोड़ना पड़ेगा। नमक तो आप जानते हैं हाइग्रोस्कोपिक है, चीनी भी हाइग्रोस्कोपिक है, वो पानी का शोषण करती है, पानी ज्यादा शरीर में रहने से ओबेसिटी और भी बढ़ती जाती है। गेहूं का आटे से बने हुए खाद्य पदार्थों का जैसे रोटी आदि का सेवन धीरे धीरे थोड़ा प्रमाण में कम कर सकते हैं। फिलहाल चावल या चावल से बने खाद्य पदार्थों का सेवन बिल्कुल न करें तो अच्छा रहेगा। सुबह का भोजन भारी, दोपहर का भोजन उससे भी हल्का और रात का भोजन सबसे हल्का होना चाहिए, अर्थात रात्रि में कम से कम भोजन तथा हल्का और शीघ्र पचने वाला भोजन करना चाहिए। रात में सोने से कम 2 घंटा पहले भोजन करना चाहिए। इसी तरह हो सके तो सूर्यास्त से पहले भी भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद जठराग्नि मंद हो जाती है और भोजन पचने में कठिनाई होती है। दिन में कभी भी सोना नहीं चाहिए, जो मोटापा आपको कम करना है तो। जब खाना पच जाए और तेजी से भूख लगे तभी अगला भोजन करना चाहिए। भोजन समय पर ही करना चाहिए तथा जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम ही खाना चाहिए। खाना खूब चबा चबा कर खाना चाहिए। कम वसा वाले दूध का प्रयोग करें, लो फैट जिसको मिल्क बोलते हैं, क्योंकि उससे वसा कम होने की वजह से कैलोरी कम होती है, जबकि कैल्शियम ज्यादा होता है और यह अतिरिक्त कैल्शियम वजन को कम करता है। मोटापा कम करने के लिए परहेज में और एक चीज ध्यान में रखना है, जठराग्नि को बढ़ाने वाला भोजन है जैसे अदरक, पपीता, करेला, जीरा, सरसों, सौंफ, अजवाइन, काली मिर्च, सौंठ, पिंपली, सहजन, पालक, चौलाई आदि पत्तेदार सब्जियां, लौकी, तोरी, परवल, बीन्स, सलाद, पत्ता गोभी, खीरा, ककड़ी, गाजर, कुचकंदर, सेब आदि लेना चाहिए। जौ, बाजरा, रागी, मूंग दाल, मसूर, आंवला, नींबू, शहद, हल्दी, एलोवेरा जूस, आंवला जूस, ग्रीन टी, स्टीम किए हुए अंकुरित अनाज आदि का भी पेशेंट सेवन कर सकता है। उबाल कर आधा किया हुआ जल, जिसको हम बॉइल्ड वाटर बोलते हैं, आधा आधा गिलास करके दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। इसका मतलब है जब भी आपको प्यास लगती है तो आप गर्म पानी, मतलब बॉइल्ड वाटर जो है वही लेने से आम का पाचन हो जाएगा और पेट भरा होने से भूख भी आपको कम लगेगी। हल्का सुपाच्य ये जो वाटर है, बॉइल्ड वाटर, आम का पाचन करता है और शरीर के सभी सूक्ष्म से सूक्ष्म गंदगी को साफ करता है, स्रोतोरोध दूर करता है और पेशाब तथा पसीना अच्छी तरह से आ जाता है। आयुर्वेद की औषधि के बारे में बात करें, आयुर्वेदिक मैनेजमेंट, तो कफहर चिकित्सा देनी चाहिए, मेदोहर चिकित्सा, और जो परहेज है और या औषधि है उसमें तिक्त, बिटर, कटु, पंजंट, रुक्ष, ड्राई, इसका प्रयोग करते हैं हम। आयुर्वेदिक औषधि में त्रिफला गुग्गुल, इसके ऊपर मेरे एक दोस्त ने, डॉक्टर प्रकाश परांजपे ने बहुत साल पहले एक रिसर्च किया था जो लैंसेट नाम की जो जर्नल है उसमें भी पब्लिश हुआ था, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज जर्नल है। त्रिफला गुग्गुल आयुर्वेद रसशाला पुणे, ये 4-4 गोली 4 बार उन्होंने लोगों को 15 दिन 1 महीने खाने के लिए बताया था, उससे बहुत अच्छी तरह से वो वेट कम हो गया था। सो त्रिफला गुग्गुल इज अ रिसर्च प्रूवन मेडिसिन। उसके अलावा ग्रंथ में मेदोहर गुग्गुल का
बताया है, ये भी हम इस्तेमाल करते हैं, वरुणादि कषाय है, गोमूत्र शिला जंतु है और नवक गुग्गुर, ये सब हम अभी इसमें इस्तेमाल करते हैं आयुर्वेदिक दवा पानी में। सिंगल हर्बल मेडिसिन में गुडुची है, विडंग है, मुस्ता या आम पाचक है, सर्वश्रेष्ठ मुस्ता या नागरमोथा, शुंठी, आंवला, वचा, दारुहरिद्रा और गुग्गुल, ये सिंगल हर्बल टैबलेट्स का भी हम इस्तेमाल करते हैं। कंपाउंड फॉर्मुलेशंस में त्रिकटु है, नवक गुग्गुलु है, त्रिफला गुग्गुल, मेदोहर गुग्गुल, ओवादी गुग्गुल, ये सब लिपिड्स में भी काम करते हैं। डिसलिपिडेमिया जिसमें बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो आप जरूर इसका इस्तेमाल करिए ओवादी गुग्गुल का। चंद्रप्रभा डायबिटीज में काम आती है, विडंगादि चूर्ण, तक्रारिष्ट, नवायस लौह, आरोग्य वर्धिनी वटी, ये सब हम इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए यह मेदोहर गुग्गुल बैद्यनाथ का है, ये नवक गुग्गुल एसडीएम कंपनी का है, गोमूत्र शिलाजीत है और ये त्रिफला गुग्गुल भी है और वरुणादि काढ़ा भी है। इसके अलावा पुनर्नवादि गुग्गुल, मेदोहर, विडंगादि लौह और चरक कंपनी की ओबेनिल टैबलेट भी अवेलेबल है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने बहुत इंटरेस्टिंग विषय के बारे में बात की, इसका अलग एक वीडियो में घरेलू नुस्खे के बारे में बना रहा हूँ, तो वो भी आप जरूर देखिए। तो ध्यान में रखिए कि एजुकेशनल वीडियो होने के कारण डिस्क्लेमर की तरह से मैं आपको हमेशा याद दिलाता हूँ कि वैधानिक इशारा क्या है, कि कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना बहुत ही जरूरत है। तो इफ एनीबडी ऑफ यू हु आर सीइंग दिस वीडियो आर सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी, हाई कोलेस्ट्रॉल, डिसलिपिडेमिया, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट आयुर्वेद एकेडमी बाय व्हाट्सएप 9226810630। इफ यू रिक्वायर एनी पेड ऑनलाइन बीएमएस क्लासेस, यू ऑल्सो कैन डू द व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर 9226810630। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप जरूर इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू बाय फोल्डिंग माय हैंड्स, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर योर पेशेंस हियरिंग एंड योर काइंड सपोर्ट। आई विश यू हैप्पी, हेल्थी एंड लॉन्ग लाइफ। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखम् आपनुयात्। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। बाय बाय।